हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टेक एप्लीकेशंस के एक बिल्कुल नया फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्लास 11 की हिस्ट्री इतनी क्यों प्रेफर की जाती है, खासतौर पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के द्वारा। काफ़ी फेमस बुक है और आपको पता चलेगा कि इसका कंटेंट कैसा रहता है, क्या वाकई इस बुक के थ्रू आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ साथ अगर आप क्लास 11, 12 में हो, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, तो तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना कैसा रहेगा, क्या ये आपके लिए इफेक्टिव प्रूव होगा, क्या ये आपके अकेडमिक्स में भी आपको हेल्प कर सकती हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों आपको लगे कि हाँ, क्लास 11 तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है वो वाकई इफेक्टिव है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। बाकी इसकी सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल टेकबॉक्रिकेशंस पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का कंटेंट एनालिसिस इन डिटेल। दोस्तों, ये इस बुक का 2007 का एडिशन है। आपको नया एडिशन भी मिल जाएगा तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इसी टेक्स्ट बुक को पढ़ें अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हुए मिलते हैं। याद रहता है कंटेंट्स, टोटल इसमें आपको 23 चैप्टर्स कवर किए हुए मिलेंगे। पहला चैप्टर है इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। सेकेंड है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। थर्ड चैप्टर है वैदिक कल्चर। फोर्थ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फिफ्थ द राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। सिक्स चैप्टर है द मॉडर्न एम्पायर। सेवन पोस्ट मॉडर्न इंडिया। एट संगम एज। नाइन्थ गुप्ता एम्पायर। टेंथ हर्षवर्धन। इलेवन साउथ इंडियन किंगडम्स, पल्लवास, फिर चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, इंपीरियल चोलास, द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज। फिर आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मिलेगी। तो क्लास 11 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी मिलती है और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी मिलती है। वहीं अगर आप कंपैरिजन करो क्लास 11 एनसीईआरटी से, तो आप क्लास 11 एनसीईआरटी में पाओगे कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलती है। ये लेसन वन है इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इसमें आपको जितनी भी मेजर ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और आपके जो प्लेन्स हैं इंडो गैंगनेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, उन सब के बारे में बताया जाएगा कि इनकी फॉर्मेशंस कैसे हुई और कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब इनकी वाइड लेंथ है। तो ये बेसिक सी डिटेल मिलेगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल फीचर्स का पता होना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स को ठीक से नहीं जानेंगे तो हम हिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते इफेक्टिव वे में। फिर आपको ये क्वेश्चंस का सेगमेंट मिलता है, आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि क्या आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है या नहीं। ये सेकेंड लेसन है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनसाइट मिलेगा। और इतनी डिटेल में तो आपको थ्योरी नहीं मिलती इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी आपको क्लास 12 एंशियंट हिस्ट्री में मिलती है। पहले चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो आपको उसमें इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन मेन चीज़ें क्या रहती हैं, जो जो डिस्कवरीज हुई हैं और कैसा मतलब कल्चर था, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, जो टूल्स, ऑर्नामेंट्स, स्टोन्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, उन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। बीच बीच में आपको इसमें मैप्स मिल जाते हैं। और थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी भी काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी सिंपल वे में ऑर्गेनाइज है। लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, आप आसानी से समझ जाओगे। जितनी टफ एनसीईआरटी की लैंग्वेज रहती है क्लास 11 और 12 हिस्ट्री की, उतनी टफ इसमें आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है जो हर कोई इसको समझ सकता है। अब बात यह रही कि अगर आप क्लास 11 और 12 में हो, सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या इस बुक के थ्रू आप अपने एकेडमिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 11 एनसीईआरटी उठाकर देखो हिस्ट्री की, तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलती है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री को लर्न करने का इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आप उसके साथ क्लास 11 की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, स्पेशली एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के, जिससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, क्योंकि आपको यही सब चीज़ें क्लास 12 में पढ़नी है। तो क्यों ना आप क्लास 11 में भी पढ़ लो, इससे आपका कंपटीशन का एक बेस भी क्रिएट हो जाएगा और आपकी क्लास 12 की तैयारी भी।
ये थर्ड लेसन है द वैदिक कल्चर, तो आप एनसीईआरटी से कंपैरिजन भी करोगे तो एनसीईआरटी में आपको इतनी डिटेलिंग नहीं मिलती। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें सोर्सेस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया कि हिस्ट्री कैसी रही है इंडिया की, उसमें ये बताया गया कि हिस्ट्री कैसे डिस्कवर हुई है, मतलब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमको पता चलता है कि पास्ट में ये सब हुआ। वहीं अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में देखो क्लास 11 हिस्ट्री की, तो इसमें आपको सब हिस्टोरिकल चीज़ें बताई जाती हैं, कब क्या कैसे हुआ, कौन रूलर रहा, क्या सोशल लाइफ थी, और कैसे जो कल्चर्स हैं वो फ्लोरिश हुए एंशंट इंडिया में, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये फोर्थ चैप्टर आया था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया गया है, और एनसीईआरटी से तो ज़्यादा ही टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप इस बुक को ज़रूर से प्रेफर कीजिए, आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा और काफ़ी ईजी मैनर में इसकी थ्योरी ऑर्गेनाइज है। बस एक कौन से इस बुक का ये रहता है कि इसमें आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाती हैं, जो एकमात्र प्रॉब्लम है इस बुक की, लेकिन आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल कंटेंट इस बुक का काफ़ी गजब का रहता है, और अगर आप इस बुक के थ्रू पढ़ोगे तो आपको लगभग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में यूजफुल हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ये कहना तो गलत रहेगा कि आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो ऑप्शनल पेपर्स की, इतना तो नहीं, लेकिन हाँ आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो क्लास 11 की हो क्लास 12 की हो, ये आपका एक अच्छा बेस क्रिएट कर देती हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, तमिलनाडु का ही हो, सभी तरह के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कोई भी स्टूडेंट इन बुक्स को पढ़ सकता है, और बहुत से स्टूडेंट्स इन बुक को प्रेफर करते हैं ओवर एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 में। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप क्लास 11 और 12 में भी हो, तब भी आप अपने एकेडमिक के साथ इस बुक को पढ़ते चलो, आपको आगे काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा और आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे। बात करूँ अगर मैं दोस्तों मेडिवल इंडिया हिस्ट्री की, मतलब उसका पोर्शन कैसा रहा है इस टेक्स्ट बुक में, तो वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। इसमें आपको मुगल्स के बारे में पता चल जाएगा और साथ साथ मराठास के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो आपको अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में नहीं मिलता, और बहुत सी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाती हैं जो एनसीईआरटी में कम्प्लीटली मिसिंग है। तो काफ़ी अच्छी ये बुक रहेगी, और आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। वैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से भी जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री का रिव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आपको क्या मिलता है, वो सभी चीज़ें कितनी इफेक्टिव रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बुक्स का रिव्यू आपको आने वाले समय में भी मिलता रहे। ओवरऑल मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, आप इस बुक की रीडिंग ज़रूर से करें, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत सी चीज़ें आप सीख जाओगे जो शायद आप क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़कर नहीं सीख सकते। वो बात अलग है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, जैसे कि आर शर्मा की एंशियंट इंडियन पास्ट और पूनम दलाल भैया की जो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आती है, आप उससे भी रीडिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपको ये चीज़ फ्री में अवेल हो रही है और काफ़ी बेसिक लेवल पर एक्सेस हो रही है, तो आप इससे ही क्यों ना स्टडी करो।